नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बायोलॉजी की सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं प्राणी विज्ञान के बारे में, जिसमें आपने पिछले वीडियो में देखा था प्राणी विज्ञान के परिचय के बारे में बात किए थे हम, जिसमें आपने देखा एक कोशिकीय जंतु के बारे में, बहुकोशिकीय जंतु का केवल परिचय हो पाया था। मैंने बताया था एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु वो होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें मैंने चर्चा किया था कि बहुकोशिकीय संघ जो है वो हमारा, उसमें 9 संघ आते हैं जिनके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों हम बहुकोशिकीय कुछ संघों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पे चर्चा करेंगे, यानी कंटिन्यूअस हम देखेंगे कि प्राणी विज्ञान से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा आता है संघ पोरिफेरा, इसके बारे में परिचय करते हैं, इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में परिचय करते हैं, इसके बाद फिर अन्य जीवों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन यही पूछ लेता है, क्वेश्चन इस तरीके देगा संघ पोरिफेरा संघ किस सेल्स के होते हैं या कौन से समूह से बिलोंग करते हैं, तो एक कोश की बहु कोश की दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो आप वहां पे दोस्तों ध्यान रखें, संघ पोरिफेरा अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सभी क्या होते हैं, बहु कोश की होते हैं। दूसरे पॉइंट के बाद में बात करें तो इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी मतलब आप समझ पा रहे हैं समुद्रों में, यानी ये सारे जितने भी आपके संघ पोरिफेरा के जीव जंतु हैं ये सभी समुद्रों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि खारा पानी हम बात करें तो समुद्र का ही माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं जहां पे भी ये जीवित रहेंगे वो खारे पानी में ही जीवित रहेंगे, चाहे वो आपकी खाड़ी हो, चाहे झील हो, चाहे समुद्र हो, व्हाटएवर जो भी होता है। तो ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि संघ पोरिफेरा किस जल में निवास करते हैं, जैसे मीठा जल होता है आपका, खारा जल होता है, या इस तरीके से लौड़ी जल होता है, तो उन संबंधित ऑब्जेक्टिव बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, मतलब समुद्री चट्टानों ठोस पदार्थों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन संघ पोरिफेरा के जो जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में छिद्र पाया जाता है उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ध्यान देना होगा ऑस्ट्रिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इन्हीं क्षेत्र से ये जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है, यानी बात करें तो ये जो इनके रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी इनका पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं, जैसे जीवन जीने के लिए जल की, ऑक्सीजन की, भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से करते हैं, जो इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उनके माध्यम से ही ये करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इनका आकार अनियमित होता है, यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय का वो कौन सा संघ है जिसके जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके संघ पोरिफेरा। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनसे परिचय के बारे में। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे साइकल, यू स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पेंडिला, तो ये कुछ हैं नाम जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। यानी पहली हम बात करें संघ पोरिफेरा के बारे में, तो साधारणता ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, इस संघ के जंतु खारे पानी में रहते हैं, मतलब समुद्री चट्टानों ठोस पदार्थों में पाए जाते हैं, इनके शरीर में क्या होता है छिद्र होता है जिन्हें हम ऑस्ट्रिया के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है, जिनके छिद्र के कारण ही ये क्या करते हैं जल, ऑक्सीजन, भोजन को ग्रहण करते हैं, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता यानी अनियमित होता है। नेक्स्ट बात करें तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों तो आ जाता है आपका साइकल, यू स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। नेक्स्ट समूह के बारे में चर्चा करते हैं तो आता है आपका सेलेंटेटा, यानी इन्हें प्रवाल जंतु के नाम से भी जानते हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें कॉमन होंगी जिनका विषय बायोलॉजी रहा होगा, लेकिन वो सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहे होंगे शायद उन्होंने बायो के बारे में नहीं पढ़ा होगा इतना डीप तक, तो
आप अगर वीडियो को कंटिन्यूअस देखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ से मिल जाएंगे। होता क्या है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन आपका सभी वर्ग से संबंधित होता है, चाहे वो आपका साइंस साइड हो, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे कॉमर्स हो, तो हमें हर एक बिंदुओं पर चर्चा करना होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना इजी भी नहीं होता दोस्तों जितना हम समझते हैं, या इतना टफ भी नहीं होता जितना हम उसको टफ समझ लेते हैं। यानी सही समय पे सही नोट, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट समूह के बारे में चर्चा करते हैं, सिलेट लेडा यानी प्रवाल जंतु। इनका नया नाम दे दिया गया निरीरिया है, तो ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए इस नाम से अगर नहीं पूछा जाता है तो इनका एक नया नाम और दे दिया गया निरीरिया के नाम से। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, इनकी संरचना धागे नुमा, इनमें रक्त नहीं होता है फिर भी यह श्वसन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कौन से समूह के ऐसे आपके जीव जंतु होते हैं जिनमें रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं सिलेंटेटा संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें दोस्तों तो इनमें श्वसन तंत्र भी नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है, यानी ये सभी कुछ भी नहीं पाया जाता, उसके बाद भी ये क्या करते हैं अपने जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ग्रेट बैरियर के बारे में, जैसा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यानी घाटी के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये क्या है, सिलेंटेटा यानी प्रवाल जंतुओं के द्वारा एक बहुत बड़ा टीला बना दिया गया है, रीफ बना दिया गया है जिसपे हम चर्चा करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, आप डिस्कवरी के माध्यम से देखे होंगे या फिर यूनिक यूनिक चीजों में जहां जानकारी दी जाती है वहां पे आपने इसके बारे में सुना होगा, तो आप सबने सुन रखा होगा, मैंने इस पॉइंट को नोट भी किया है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूर्व में स्थित है, इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा स्रावित CaCO3 के कारण हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण किन जंतुओं के कारण हुआ है, तो वो आपको हो जाएगा सिलेंटेटा, और उसमें से ये क्या होता है इनके द्वारा जो स्रावित यानी निकाला जाता है वो क्या होता है आपका CaCO3, जो एक चट्टान के रूप में निर्माण कर देता है, यानी हम कह सकते हैं एक रीफ का मतलब वो चट्टानों का निर्माण करता है इस तरीके से जिसपे जीव जंतु निवास कर पाते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा चूना जैसे होता है, आप उसको पानी में डाल दीजिए कुछ दिन बाद फिर वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो इसी तरीके के CaCO3 जो होता है जिसके कारण ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका किसकी है, तो प्रवाल जंतुओं की है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल पे हाइड्रा, हाइड्रा से कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिसको मैंने बताया, इसकी सर्वप्रथम खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और ये मीठे पानी में निवास करता है, तो यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव मिला होगा, क्वेश्चन पूछता हाइड्रा मुख्यतः किन पानियों में निवास करते हैं पाए जाते हैं, तो मीठे पानी में पाए जाते हैं, खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आ जाता आपका ऑरेलिया, इसे जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका इसी समूह में आते हैं मूंगा, तो इस तरीके के जो भी जीव जंतु आपके हैं ये सभी जो है प्रवाल जंतु के अंतर्गत आते हैं, तो आप इन्हें ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि किसी जंतु की इमेज देखना चाहते हैं आप जो भी या उसकी जो भी चीजें हैं, तो आप उसको नेट के माध्यम से सर्च करके हाइड्रा को देखें और एलिया को देख सकते हैं, मूंगा को देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पर चर्चा करते हैं, तो इन सारे जीव जंतुओं को अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप इनकी इमेज देख सकते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, नेक्स्ट समूह आता है आपका प्लेंटी प्लेटी हेलमंथीज, तो ध्यान दीजिएगा प्लेटी हेलमंथीज यानी इसे चपटे कृमि कहते हैं, चपटे से मतलब इनका जो आकार होता है वो चपटा होता है, यानी ऊंचाई नहीं होती है इनकी, चौड़ाई ज्यादा होती है। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है, देखिए ये जो चीजें आती है श्वसन तंत्र नहीं है, परिसंचरण तंत्र नहीं है या आहार नाल नहीं है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपरों में, तो इन्हें विशेष ध्यान देना होगा। यह सभी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यह परजीवी होते हैं, परजीवी से दोस्तों हमारा तात्पर्य ये होता है वे सारे जीव जो मृतक जीवों को भी खाते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। यह जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतुओं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जानवरों के खाद में चिपके रहते हैं, उनसे आप हटा दीजिए तो मर जाएंगे, तो यानी उनका तात्पर्य हमारा ये कहने का है
कि जिनका आहार नाली नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, खाना तो पचा नहीं सकते या कुछ खाएंगे तो डाइजेस्ट तो होगा नहीं उनको। तो इस तरीके से ये क्या डायरेक्ट जो भी इनको जीने के लिए चाहिए वो दूसरे से वही चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ब्लड को ही लेते हैं या जो चीजें उन्हें जीने के लिए सहायक होती है। तो आपने चपटे कृमि के बारे में जाना, अब इनसे संबंधित एग्जांपल के बारे में दोस्तों बात करें तो आ जाता आपका प्लेनेरिया फेसियोला टिनिसोलियम। ये आपके मुख्य रूप से चपटे कृमि यानी प्लेटे हेलमिंथीस के एग्जांपल होते हैं। तो इन्हीं केवल आपको नाम ये याद रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछता है कि ये किस समूह में आते हैं या किस जगत के जीव जंतु हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एस्कल्मेंथीस के बारे में, इन्हें गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव आकार में गोल होते हैं इसीलिए इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। स्वतंत्र जीवी परजीवी दोनों प्रकार के इनमें लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे स्केरिस थ्रेडवर्म जिसे हम एंट्रोबियस भी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड बनते हैं एग्जाम में, तो पहला हम बात करें दोस्तों तो इनके कारण छोटे बच्चों के गुदा में चुनचुनाहट होती है। जैसे आप सबने देखा होगा कुछ बच्चों की आदत होती है रात के समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो उनके गार्जियन या उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं मारने पीटने लगते हैं। तो उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें डॉक्टर का सजेशन देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को साफ सफाई ना होने के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण क्या होता है आपका थ्रेडवर्म यानी एंटोबोरेजियस के कारण होता है। डॉक्टर कोई ट्यूब या दवा दे देता है जिससे ये सोल्यूशन सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो बुचेरिया द्वारा जो फाइलेरिया बीमारी होती है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइलेरिया किससे संबंधित होता है, तो एस्कल्मेंथीस में ही आपके गुलकृमि होते हैं जिसका नाम है बुचेरिया, जिसके द्वारा फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं समूह के बारे में, एनेलिडा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है, क्योंकि ये जो हमारे पास समूह होता है इसमें केचुआ और जोंक आते हैं जहां से प्रश्न आपका बनता है। बात करें दोस्तों तो ये प्राणी जली स्थली स्वतंत्र जीवी परजीवी भी होते हैं, जैसे जो को आपने देखा होगा आपके शरीर में कभी चिपका होगा तो एहसास किया होगा आप लोगों ने, तो उस समय वो परजीवी के रूप में कार्य करता है, नहीं तो उसके अलावा भी वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये सभी है जैसे केचुआ है जोक है ये कॉमन है, आपने इन सबके बारे में अच्छे से जान रखा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे बनते इनको देखेंगे हम सभी। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है जली स्थली से तात्पर्य जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। स्वतंत्र जीवी यानी अगर इन्हें भोजन नहीं भी किसी तरीके से प्राप्त होता तो ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं यानी बना लेते हैं। परजीवी मतलब होता है मृतकों को भी खाकर अपहृत कर लेते हैं, और इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। जैसे केचुए को आपने देखा होगा जो को देखा होगा तो उनका शरीर जो होता है अलग अलग भागों में, जैसे केचुआ देखें तो टूट जाता है अलग अलग, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है किस समूह के जीवों का शरीर खंडों में बटा रहता है, तो आपका हो जाएगा एनेलिडा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो केचुआ और जोंक जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केचुए का वैज्ञानिक नाम जोंक का वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा भी कर चुके हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आम का वैज्ञानिक नाम है, सरसों का वैज्ञानिक नाम है, बहुत सारे के नामों के बारे में आपने चर्चा किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों तो आपका आ जाता है केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिकिमा पोस्थमा। नेक्स्ट जोंक के बारे में बात करें हम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेरुडिनेरिया, तो इसको ध्यान रखें हो सकता है यहाँ से आपको मिल जाए क्वेश्चन। नोट के तौर पर यहाँ पे मैंने एक चीज नोट किया, इसको ध्यान दीजिएगा, एक लिंगी व उभय लिंगी दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है केचुआ में किस तरीके का लक्षण पाया जाता है, तो वो आपका उभय लिंगी और एक लिंगी दोनों ही प्रकार का होता है, तो आप इसे ध्यान रखें, अक्सर पेपर में यहाँ प्रश्न मिलता है यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों समूह के बारे में बात करें तो आर्थ्रोपोडा आता है, यह सबसे बड़ा संघ होता है, यानी हम बात करते हैं बहुकोशिकी में तो आर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा संघ आता है, यानी नौ संघों में हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा समूह आता है। यह पृथ्वी के दो तिहाई भाग पर पाए जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि दो बटे तीन भाग में आपके जो है कौन से जीव आर्थ्रोपोडा निवास करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा समूह होगा। इसके जंतु जल थल वायु तीनों में यानी तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। अब इतना बड़ा समूह है तो दोस्तों
डेफिनेटली इनके जीव जंतु जो होंगे सभी सरफेस एरिया पर पाए जाएंगे, यानी जल थल वायु तीन ही माध्यम होते हैं रहने के, तो ये तीनों पर ही पाए जाते हैं। इन जीवों के शरीर तीन भागों से मिलकर बने होते हैं या बना होता है। बात करें तो सिर, वक्ष और आपका उदर, यानी इनको आप देखेंगे जब भी इस समूह के, जैसे हम बात करें बिच्छू को देखिए, मकड़ी को देखिए, झींगा मछली को देखिए, केकड़ा को देखिए, मधुमक्खी को देखिए, कॉकरोच को देखिए, तो उसमें आपको समझ में आता है कि इसका जो भाग है वो तीन भागों से संबद्ध होता है। यानी आप किसी भी तरीके से अगर आप उसको मारते हैं तो उसमें तीन तरह के डिवाइड हो जाते हो। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसी में कीट वर्ग भी आपका सम्मिलित होता है। यानी हम बात कर रहे थे आपके जल थल और वायु तीनों में, तो कीट आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि इसी वर्ग के समूह होगा, क्योंकि दो तिहाई भाग पहले इसने कह दिया था कि आर्थ्रोपोडा ही पाया जाता है। तो यहाँ से एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, आपका बिच्छू है, मकड़िया है, झींगा है, केकड़ा है, मधुमक्खी है, कॉकरोच है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए आर्थ्रोपोडा से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात बात करें दोस्तों, तो ये जो भी जीव होते हैं इनके देह गुहा यानी शरीर की बनावट में हीमोसील नामक तत्व पाया जाता है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है हीमोसील से संबंधित, तो ध्यान रखें। दूसरी कॉर्टिस में आती है तीन जोड़ी टांगे होती हैं, यानी छह टांगे होती हैं जो भी समूह के आपके जीव होते हैं मुख्य रूप से। तो अगर कीट वर्ग में हम बात करेंगे तो उनमें क्या होती है, तीन जोड़ी टांगे होती हैं। लेकिन एक अपवाद भी है जो मैंने आगे नोट कर रखा है, अक्सर आप गलती कर देते हैं, मकड़ी को कीट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी जो टांगे होती हैं वो आठ होती हैं, यानी पैर जो होते हैं उनके आठ होते हैं, इसलिए उसको कीट कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आर्थ्रोपोडा संघ में आता है लेकिन कीट में नहीं आएगा, इसलिए मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिख भी रखा है, मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है क्योंकि इसके आठ पैर होते हैं। यानी कीट समूह में हम उसी को रख सकते हैं जिसमें छह पैर होते हैं, यानी तीन जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, काकरोच से रिलेटेड संबंधित प्रश्न एक बार पूछा गया था एग्जाम में, इनको ध्यान दीजिए। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, यानी काकरोच जो होता है आपका वो एक बहुत ही मजबूत जीव जंतु माना जाता है, यानी ये इतनी जल्दी मरता नहीं है। आप सभी को पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसका भी असर अगर सबसे कम पड़ा था तो किस पे पड़ा था, काकरोच पे पड़ा था। आप एग्जाम्पल के तौर पर घर में देखिए, काकरोच को निकालिए, मारना शुरू करिए, जैसे आपको ले लिया वो ऐसा कुछ है, फिर भागना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी के पास भाई इतने सारे हृदय यानी कक्ष होंगे हृदय में, तो डेफिनेटली वो इतना मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसके बारे में कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे जो भी टॉपिक्स हैं क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम्स आती है या ऐसा लगता है कि कोई भी पॉइंट मिसिंग होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर भेजें, उनमें जो भी आपका चेंजमेंट्स करने की आवश्यकता होगी उनको फिर से चेंज करके अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।